वायरस के बीच एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, फिल्म कॉलोनी में एक गोदाम पर छापा मारा है एसओजी ने। अजय सर्जिकल नाम से बना हुआ था गोदाम जिस पर छापा मारा गया है। भारी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर जब्त किए गए हैं। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महंगे दामों पर बेचे जा रहे थे सैनिटाइजर और मास्क। बड़ी कार्रवाई, 100 रुपए का सैनिटाइजर 300 से 400 रुपए में बेचे जाने की शिकायत थी, जिसके बाद एसओजी ने कार्रवाई की है। इस पर एसओजी की टीम को सूचना मिली। सूचना के बाद एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूचना के बाद एसओजी ने गोदाम पर छापा मारा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एसओजी ने। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है और राजधानी जयपुर शहर में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है लोगों को सैनिटाइजर की और मास्क की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत की जो चीज है वो है सैनिटाइजर और मास्क। मगर जब यहाँ पर जब दुकानदारी या जो मेडिकल की जो शॉप्स हैं अगर वही इसमें कालाबाजारी करेंगे सैनिटाइजर में मास्क में, तो जनता का क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर एसओजी को मिली थी और एसओजी ने आज जो फिल्म कॉलोनी है यहाँ पर अजय सर्जिकल के नाम से यहाँ पर गोदाम बना हुआ था जिनकी मेडिकल की यहाँ पर काम है, यहाँ पर उन यहाँ पर एसओजी की टीम ने दबिश दी तो उनको मौके से यहाँ पर भारी मात्रा में मास्क और जो सैनिटाइजर है जो कालाबाजारी करके रखा हुआ था। और यहाँ पर जितने भी जो दुकानदार थे वो बता रहे थे कि यहाँ पर सैनिटाइजर और जो मास्क की वो काफी किल्लत चल रही है, मगर इन लोगों ने यहाँ पर इसकी कालाबाजी करके रखा हुआ था और उसके बाद इस जो सैनिटाइजर और जो मास्क को बड़े पैमाने पर यहाँ पर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस पर एसओजी ने यहाँ पर रेड डाली और रेड डालने के बाद भारी संख्या में यहाँ से सैनिटाइजर और मास्क को जब्त किया है। साथ में जो मालिक है, जो गोदाम का जो मालिक है नवल किशोर, उसको भी यहाँ पर राउंड अप किया है और फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है यहाँ पर एसओजी की टीम। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है, बड़ी शर्मनाक बात है कि जहाँ पूरा देश इस लड़ाई से जूझ रहा है, महासंकट के दौर में गुजर रहा है, और वहां पर इस तरह की कालाबाजारी किया जाना जो स्वास्थ्य के लिए सब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, और उसी चीज को अगर कालाबाजारी होगी तो। जी बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी पूरे मामले को लेकर के किस प्रकार से एसओजी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है।